अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बोटी बटाके की स्टिक, मटन पोटेटो स्टिक। इसके लिए लिया है 500 ग्राम मटन, इसे चौकुट पीस कर लिए, और लिए है 4 से 5 मीडियम साइज के पोटेटो, इसे भी ऐसे पीस कर लिए, और हमें कोटिंग के लिए चाहिए रवा, सूजी, सोजी और 2 अंडे, और हमने लिया है ऑयल। स्टिक मसालों में लिया है सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और ये मसाले लिए हैं नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिल्ली पेस्ट और गरम मसाला पाउडर, और हमने लिया है कैप्सिकम, इसे भी ऐसे कट कर लिए, और ऑनियन, इसे भी ऐसे कट कर, और लिया है थोड़ा सा वाटर। अभी ये वाला मसाला हम गोश्त में डालकर प्रेशर कुकर में टेंडर कर लेंगे, और ये पोटैटो फ्राई करके ये मसाला नाक देंगे। ये स्टिक को पानी में डालकर भिगा दें। अभी ले लेंगे एक प्रेशर कुकर, उसमें डाल देंगे मटन, और डाल देंगे ग्रीन चिल्ली पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट और गरम मसाला पाउडर, और डाल देंगे वाटर, और इसे अच्छे से टेंडर कर लेंगे। हम थोड़ा सा ही वाटर डालेंगे, और ये हमारा 3 सीटी में मटन टेंडर हो जाए। अभी हमने ले लिए एक पैन, इसमें डाल देंगे ऑयल, ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें, और डाल देंगे पोटैटो, इसे हम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इसे कवर कर दें और लो फ्लेम पर फ्राई कर दें। अभी हमारा मटन भी टेंडर हो रहा है और पोटैटो भी फ्राई हो रहा है। अभी हमारे पोटैटो टेंडर हो चुके हैं, हमारा मटन भी हो रहा है ये साइड। अभी इसका ऑयल हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी सब ऑयल हमने निकाल लिया है, अब इसमें डाल देंगे सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे ताकि हमारे पोटैटो ठंडे हो जाए। अभी गैस को ऑफ कर लेते हैं। अभी हमारे पोटैटो भी ठंडे हो रहे हैं, मटन भी टेंडर हो रहा है। ये हमें एग को नमक, जीरा मिर्ची डालकर अच्छे से फेंट लेना है। अभी हम देख लेते हैं कि हमारा मटन टेंडर हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी है, ये हम अच्छे से सुखा लेंगे। अभी हम निकाल लेंगे मटन को एक बाउल में। अब इसे ठंडा होने दे, फिर हम इसे स्टिक में फोल्ड कर लेंगे। अभी हमारा मटन टेंडर हो चुका है, अभी हम ये स्टिक में कैसे लगाएंगे वो आपसे शेयर करेंगे। तो एक ले लेंगे एक ऑनियन का पीस, फिर ले लेंगे एक पोटैटो का पीस, एक कैप्सिकम, मटन, ऑनियन, फिर ले लेंगे वापस से एक पोटैटो, फिर ले लेंगे वापस से एक कैप्सिकम, और वापस से मटन, और फिर ले लेंगे ऑनियन। अब इसे हम रवे की मदद से, ये हमने ले लिया है रवा, अब इसे ऐसे डाल देंगे और इसे आहिस्ता आहिस्ता दबाकर ऐसे कर देंगे। अब इसे अंडे में फ्राई करें। इसी तरह हम सारी स्टिक रेडी कर लें। देखो अभी आप देख सकते हो कि हमारी सब बल आ चुकी है। अभी हम इसे अंडे से फ्राई कर लेंगे। ये हमने अंडा ले लिया है, इसमें नमक और जीरा मिरी पाउडर डाल दिया है। अब इसे ऑयल में फ्राई कर लें। अभी हम ले लेंगे एक स्टिक और इसे अंडा लगा लेंगे और डीप फ्राई कर लेंगे। देखो आप देख सकते हो कि हम कैसे अंडा लगा रहे, इसे अलट पलट करते हुए लगा लेंगे और इसी तरह हम सारी स्टिक फ्राई कर।
ये देखो, आप देख सकते हो कि एक साइड से 5 मिनट फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे टर्न कर देंगे और ये साइड से भी 5 मिनट फ्राई करके डिश आउट करके आपसे शेयर करेंगे। अभी फ्राई हो चुकी है, अभी हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसी तरह सारी स्टिक फ्राई कर लेंगे। देखो, अभी आप देख सकते हो कि हमारी मटन पोटैटो स्टिक बन करके रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म टोमेटो केचप के साथ सर्व करें तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।